जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी महाराज कहते हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य का समझना क्या है, अब हम यह बात बतलाते हैं। पहला है भगवान के नाम के गुण। जैसे बीज के अंदर वृक्ष है पर वह दिखता नहीं, वैसे ही भगवान के नाम के अंदर भगवान के सारे गुण हैं पर वे दिखते नहीं, किंतु बीज को भूमि में बोकर पानी डालने से वह अंकुरित हो जाता है और फिर उसमें धीरे धीरे स्कंध, शाखाएं, पत्ते, मंजरी, फल आदि लग जाते हैं। इस प्रकार वह वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण रूप से वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार जो नाम का जप रूप बीज है, उसे हृदय रूपी भूमि में बोकर ध्यान रूपी जल से सींचने पर भगवान के क्षमा, दया, समता, संतोष, शांति, सत्य, सरलता, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त गुण उस नाम जापक में अंकुरित होकर विकसित हो जाते हैं, जिससे वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान नाम में अपरिमित गुण हैं, उसकी महिमा शेष महेश, गणेश, दिनेश भी नहीं गा सकते। श्री तुलसीदास जी ने नाम महिमा कहते हुए यहाँ तक कह दिया कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब दूसरा है भगवान के नाम का प्रभाव। भगवान नाम के जप के प्रभाव से संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन एवं समस्त दुख और विकारों का नाश हो जाता है। नाम जप के प्रभाव से बड़े बड़े भारी पापी और नीच का उद्धार हो सकता है, तथा इसके सिवा भगवान उसके अनुकूल हो जाते हैं एवं भगवान को तत्व से जान जाता है और भगवान को प्राप्त होकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी ने तो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम का प्रभाव बताया है कि राम भगति हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा, राम एक तापस्तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू, अपितु अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। तीसरा आता है भगवान के नाम का तत्व। जिस प्रकार आकाश में निराकार रूप से स्थित जल सूक्ष्म होने के कारण दिखता नहीं, किंतु वही जल जब बादल के रूप में आकर बूंदों के रूप में बरसता है और फिर वही जल बर्फ या ओलों के रूप में बरसता है, तब वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाता है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार रूप से स्थित परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखता, किंतु वही परमात्मा जब सगुण निराकार रूप से प्रकट होकर संसार की रचना करते हैं और फिर वही सर्वव्यापी परमात्मा महान प्रकाश में तेज के पुंज रूप में प्रकट होकर सगुण साकार रूप में आते हैं, तब वे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाते हैं। गंभीरता से विचार करने पर तत्व से यही सिद्ध होता है कि आकाश में जो निराकार रूप से अप्रकट जल है और जो बादल, बूंद, बर्फ तथा ओलों के रूप में जल है, वह वस्तुतः तत्विक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो एक जल से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार तात्विक दृष्टि से विचार कर देखा जाए तो सगुण निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त सभी भगवान के ही स्वरूप हैं, वे सब भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं। भगवान और भगवान का नाम एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। अतः जो भगवान का तत्व है वही भगवान के नाम का तत्व है, यह समझना ही नाम का तत्व समझना है। जो भगवान को अनन्य और निष्काम भाव से भजता है,
वह भगवान को तत्वतः जानकर उन्हें प्राप्त हो जाता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। चौथा आता है भगवान के नाम का रहस्य। जो भगवान के नाम के रहस्य को जानता है, वह भगवान के नाम की ओट में कभी पाप नहीं करता। नाम का जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब नाम की ऐसी महिमा है तो मैं पाप से क्यों डरूं? भजन करके पापों का नाश कर दूंगा, ऐसा समझना नाम की ओट में पाप करना है। इसी प्रकार नाम के जो 10 अपराध हैं, उनको नाम जप का रहस्य जानने वाला कभी नहीं करता। 10 अपराध। श्री सनत कुमार जी बोले, वत्स नारद, गुरु की अवहेलना, साधु महात्माओं की निंदा, भगवान शिव और विष्णु में भेद बुद्धि, वेद निंदा, भगवान नाम के बल पर पापाचार करना, भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, नाम लेने में पाखंड करना, आलसी और नास्तिक को भगवान नाम का उपदेश करना, भगवान नाम को जानबूझकर भूलना तथा नाम का अनादर करना, इन 10 भयंकर दोषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। नाम का जप करने से पाप नाश होता है, न कि वृद्धि। अतः जो व्यक्ति नाम जप से पापों को धो डालने की बात सोचकर पाप करता है, वह तो नाम की ओट में पापों की वृद्धि करता है। नाम जप महात्म्य का तो यह रहस्य है कि उसके पहले के किए हुए पापों का नाश हो जाता है और नए पाप उससे बनते नहीं। यदि किसी भी कारण से उससे नए पाप बनते हैं, यानी समझ बूझ कर पाप होते हैं, तो उसने नाम जप के रहस्य को नहीं समझा। जो नाम जप के रहस्य को समझ लेता है, उससे किसी भी हालत में पाप नहीं बनते तथा उसके द्वारा नाम जप गुप्त और निष्काम भाव से निरंतर होता है। इस प्रकार भगवान का भजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक सदा सर्वदा सकाम भाव से करने पर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे द्रौपदी ने वन में दुर्वासा ऋषि की कोपाग्नि से अपने कुटुंब को बचाने की कामना से श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान नाम की पुकार लगाई, तो भगवान तुरंत उसके सामने आ गए। उस समय द्रौपदी ने भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की थी कि हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। इस विश्व को बनना बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथों का खेल है। प्रभु, तुम अविनाशी हो, शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक परात्पर परमेश्वर हो। पहले भी सभा में दुशासन के हाथों से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करना उचित है। इस प्रकार सकाम भाव से पुकारने पर भी भगवान प्रकट हो गए, तो फिर निष्काम भाव से भजन करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव हम लोगों को भगवान के नाम का जप और कीर्तन श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को समझकर परम शांति और परम आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।